हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रिकेट स्टॉर्म यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि इंसिडेंट हुआ था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी का जो मैच हुआ था उसके दौरान हर्षल पटेल वर्सेज रियान परा के जो हिटेड एक्सचेंज हुआ था, हिटेड वर्ड जो इनके बीच में एक्सचेंज हुआ था उसका पूरा डिटेल वाइज आपको जानकारी देने की कोशिश करें। तो ये क्या ग्राउंड के बीच में ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में हुआ रहा, उससे पहले थोड़ा सा मैच के बारे में बात कर लेते हैं। आरसीबी ने फिर एक बार डिसअपॉइंटमेंट किया, फिर एक इजी चेस था, 144 रन बनाए थे राजस्थान रॉयल्स में, उसमें रियान पराग ने जो 56 रन खेले, इसके अलावा उन्होंने 4 कैचेज भी पकड़े। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए जीत में अहम भूमिका निभाई रियान पराग ने, जो पूरे सीजन में उनका उस तरीके से प्रदर्शन नहीं रहा, परंतु आरसीबी के मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और राजस्थान रॉयल्स ने वो मैच जीत भी लिया। इससे पता चलता है कि राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग की जो स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स की जो बॉलिंग है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग यूनिट है इस आईपीएल की, इस चीज़ से साबित करता है कि 145 रन का जो टारगेट है सबसे लोएस्ट टोटल डिफेंड किया है इस आईपीएल का, तो ये देख के पता चलता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और चैनल। तो अब बात करते हैं कि जो हर्षल पटेल और रियान पराग के बीच में क्या हुआ ऐसा कि वो वर्ड्स एक्सचेंज हुए एक दूसरे से। तो 19वें जो लास्ट ओवर था राजस्थान रॉयल्स का इनिंग का, वो लेके आए थे आरसीबी की ओर से हर्षल पटेल। हर्षल पटेल के उस ओवर में 18 रन गए। लास्ट गेंद के ऊपर हम बात करें, रियान पराग ने एक छक्का लगाया, उसके बाद में जब रियान पराग वापस जा रहे थे तो पता नहीं पीछे से अगर हर्षल पटेल ने शायद कुछ ना कुछ खा होगा, उसके बाद में रियान पराग वापस आए उनके और कुछ वर्ड्स उनके बीच में एक्सचेंज होते हुए नजर आए। वो तो राजस्थान रॉयल्स के एक मेंबर ने उनको रोका। उसके बाद में ये चीज़ें होने के बाद में ये हुआ कि मैच खत्म हुआ। मैच खत्म होने के बाद में हर्षल पटेल उस वक्त बैटिंग कर रहे थे, आरसीबी हार चुकी थी। रियान पराग हर्षल पटेल से हाथ मिलाने गए तो हर्षल पटेल ने हैंडशेक नहीं किया। ये बिहेवियर मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि कई बार हमने देखा है मैचेज के बीच में ऐसी चीज़ें होती हुई नजर आई है कि वर्ड्स एक्सचेंज हुए, परंतु मैच जैसे ही खत्म हो जाता है सब चीज़ें नॉर्मल होती हुई नजर आती है। प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ हैंडशेक करते गले मिलते, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। परंतु जो मैच हुआ उसमें हर्षल पटेल ने जब रियान पराग उनसे हैंडशेक करने गए तो उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, तो ये बिहेवियर तो यार मुझे तो सही लगा नहीं। फैंस को भी उस तरीके से हर्षल पटेल का ये बिहेवियर सही लगा नहीं होगा। अब एक्चुअल उसमें क्या हुआ, क्या चीज़ें हुआ, हो सकता है कि ज़्यादा रन उनके ओवर में हर्षल पटेल के ओवर में दो छक्के आ गए, उससे वो थोड़ा एक्साइटेड हो गए, क्या रीज़न रहा इसका भी क्लियर रीज़न तो किसी के सामने नहीं आया। परंतु जो हमने देखा टीवी में वो जो इस हिटेड कन्वर्जेशन एक्सचेंज हुई, बस इतनी आपको। और वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो के लिए लिंक है एक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके देख सकते हैं। थैंक यू।